My name is Asif Sheikh. I'm an accounts lecturer. Today I will explaining about you journal से हमें ledger posting कैसा करते हैं. ये ledger है, ये journal है. तो हम preparation कर रहे हैं cash account. ठीक है? तो cash यहाँ पर है, cash account यहाँ पे नहीं है. तो जो cash account अगर debit में है, तो इसे debit में लिखेंगे आप. तो capital. तो ये लिखेंगे हम 2011 जुलाई की 10 तक. सी लुक हियर, ये एंट्री यहाँ पर आएगी डेबिट में टू कैपिटल. ठीक है, टू कैपिटल अमाउंट हुआ 8000. क्लियर? वन इज ओवर. इसमें कैश नहीं है तो ये एंट्री नहीं है. फिर यहाँ पे कैश है, कैश अकाउंट को सेल अकाउंट, तो सेल्स जो है वो यहाँ पर आएगा. फिर जुलाई की 6 तारीख को जो सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो गया तो रिकवरी में सही है, राइट? फिर ये कैश है, अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे रेंट को. यहाँ पे क्रेडिट में कैश, तो रेंट क्रेडिट में आएगा. जो भी है तो बाय में लिखेंगे जुलाई की 10 तक, सही है, बाय रेंट. पेमेंट हो रहा है तो इधर आएगा, तो कितना पैसे का रेट हुआ वो 900. क्लियर? यस, क्रेडिट में डेबिट इज क्रेडिट. अब पर ये कैश क्रेडिट पे है तो परचेस क्रेडिट में आएगा. ऐसा ना तो 15 को जुलाई की 15 को बाय परचेस कितने परचेस हुआ 800 800 800 800. सही है. उसके बाद यहाँ पर कैश नहीं है, यहाँ कैश है क्रेडिट में, तो देश में क्रेडिट में, राइट? जुलाई की 22 बाय देश में पैसा कितना है 2700 है, सही है. अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट में है, बिल करने को डेबिट में कैश ऑन डेबिट में तो फिर का नहीं करने में मिलेंगे ने जुलाई के तीन साल टू फिर करने में. सो ये हो गया आपका 1000, सही है. उसके बाद वेजेस कैश क्रेडिट में है तो वेजेस भी क्रेडिट में है. सो जुलाई की 31 को बाय कैश, सॉरी वेजेस अब देखो यहाँ पे टोटल करने का इसका अमाउंट पूरे इंक्रीज हो गया. कैश अकाउंट क्लोज करना है 8000 3000 हो गया, 11000 12800 12800 कैश अपने पास है. सो हमारा खर्चा कितना हुआ है 2500 2500 3200 4900 रुपये खर्चा हुआ है, 4900 खर्चा हुआ तो कितना है 12800 009 7900 रुपये बचे हैं. तो जुलाई की 31 को हम बाय बैलेंस कैरी डॉन लिख के 7900 और 12800 से हम क्लोज करें, 12800 से क्लोज करें. अब जुलाई के बाद तो समय आता है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, 1 अगस्त को हम डॉन डॉन करेंगे टू बैलेंस डॉन डॉन बैलेंस डॉन डॉन करेंगे 7000. ये समझ में आया? कैश अकाउंट समझ में आया? इसे इंडिविजुअली हमें अब कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेशो का अकाउंट बनाना पड़ेगा, सीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअली. तो अब वन मोर एग्जांपल वी विल सी दैट. अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट. कैपिटल की एंट्री यहीं पर है खाली, बाकी जगह एंट्री है ही नहीं, है क्या? नहीं. तो हमें कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं. जैसा हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है. देखो ये कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें
कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो ये बनाना सिर्फ ये समझ में आया कैश अकाउंट कैसे बनाना? यस यू अंडरस्टूड दिस? कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? वैसे ही सेम बनेगा जैसा कि डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, जीएफ हो गया, अमाउंट हो गया, फिर डेट हो गया, फिर पर्टिकुलर हो गया, फिर अमाउंट हो गया। सो ये हमारा कैपिटल अकाउंट क्या बन रहा है? कैपिटल अकाउंट। सो डेबिट और क्रेडिट्स, डेट हो गया यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? जीएफ लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, फिर डेट पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे जीएफ ले लो अमाउंट, ठीक है। अब कैपिटल क्रेडिट पे है, क्रेडिट पे तो एक क्रेडिट लिखना पड़ेगा। सो ये आपकी 2011 में जुलाई की पहली तारीख को बाय कैश कितना है? 8000 फिनिश्ड। ओके, ये एक ही एंट्री कैपिटल की कोई प्लस हो गया। इसी तरह से परचेज की भी एंट्री बना सकते हैं, देश बुक की भी बना सकते हैं, सेल्स की। गॉट इट? एग्री हाउ टू डू दिस? यस। फिर हम कौन अकाउंट बनाएगी? परचेज अकाउंट बना सकते हैं, परचेज इधर है, परचेज इधर है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाउ टू पोस्ट द जर्नल टू इनटू लेजर, लेजर में कैसा पोस्टिंग करना चाहिए, ठीक है। ओके,